All right, everyone, welcome back to another video. And आ चुका हूँ मैं ढेर सारे memes लेके वापस से. memes की बीमारी लग चुकी है. Yes guys, congratulations लिख दो comments में. तो yes, आज हम करने वाले हैं ढेर सारे memes पे react and और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए. तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट ही करते हैं आई गेस. बट यस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दो वीडियो को. यस, ये बोलना बहुत जरूरी है. एंड लेट्स गो, करते हैं मीम्स पे रिएक्ट. ओ क्या बात है. ऑल राइट, फर्स्ट मीम, हियर वी गो. कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की. लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है. भाई क्यों करते हो ऐसी हरकतें? या आई मीन आई नो उसने वो रील के लिए किया है, बट डोंट टेक लिरिक्स टू सीरियसली, ठीक है? वरना और घटनाएं हो जाएंगी जिंदगी में. बट या दैट वाज नाइस. नेक्स्ट मीम, परिंदे की थ्रोट अब जमीन पे चिपका रहे. ओके, ऑटोमेटिक, बस यही देखना बाकी था. भाई दैट्स अ होमी राइट देयर, बफेलो होमी एवरीवन. दैट्स ऑल वी नीड. कैश काउंटर किसको चाहिए? हैं, भगाओ उसे, कैश काउंटर को भगाओ यहां से. बस तबेले में जाओ और कैश गिनना चालू कर दो. बेस्ट, वाओ. ओके नेक्स्ट मीम. अरे भाई उठा ले. हो गया. व्हाट, क्या? अबे ये कौन सी जिंदगी में ग्लिच चल रहा है इसकी? एक सेकेंड. ओके, अगर इतने इजी होने लग गए ये कॉम्पिटिशन्स तो भाई मेरे को भी जाना है. ऐसे में एक अगर होंगे तो भाई मैं भी जीत जाऊंगा. क्या है भाई, डोले शोले थोड़े से. ओ भाई कैमरे पे ज्यादा नहीं लग रहे, कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं. नेवर माइंड, नेक्स्ट मीम. व्हाट जस्ट हैपेंड? रिसाइकल बिन, दिस पीस. नो अबे यार, ये 2008 के मीम्स. बंदे ने पीसी ही डिलीट कर दिया अपना, क्या बात है. वैसे सच बताऊं, मैंने बचपन में एक बार ये ट्राई करके देखा है. जब मेरे पास नया पीसी आया था तो गलती से मैंने सी ड्राइव की फाइलें उड़ा दी थी. दिस पीसी तो नहीं, सी ड्राइव उड़ा दी थी. एंड जो पीसी चलाते उन्हें पता है सी ड्राइव उड़ाने का मतलब क्या होता है. बहुत मार पड़ी थी. फिर 2 महीने बाद जाके विंडो डलवाई थी वापस. ऑलराइट नेक्स्ट मीम. स्टूडेंट्स एग्जाम तक बस इतना ही फोकस चाहिए. ओके, लॉन्डे ये बात. बच्चे ने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी सिग्मा मेल बनने की, क्या बात है. बचपन में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं इसका ऑपोजिट ही था बिल्कुल. बट यार हमें इससे क्लासेस लेनी चाहिए गाइस, प्लीज सर क्लासेस के लिए बुला लो हमें, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं प्लीज. ओके नेक्स्ट मीम. अरे प्ले हो जा भाई. सांस ले रहा हूँ. फिर तो तुम बिल्कुल ठीक हो. अरे लेकिन मेरी किडनी का क्या? अच्छा ये 2 मिनट रुको, वो कैची देना. क्या? ये लो, ठीक हो गए तुम. मैं तो सच में ठीक हो गया. अबे ठीक हो गया सच में? अबे यार ऐसे ही ठीक होना था तो तू आया क्यों हॉस्पिटल में? इस हिसाब से तो अगर किसी की हड्डी टूट रखी होगी बंदा हाथ ही काट देगा सीधा. भाई ऐसे ऐसे कौन ठीक करता है? लो भाई नहीं चाहिए ऐसा डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ओके नेक्स्ट मीम. ही टुक दैट पर्सनली. कम ऑन. ओ ओ भाई ये इसके मालिक ने पक्का इसे ट्रेन किया. मैं मान नहीं सकता, डॉगी के दिमाग में खुद ही आई वो चीज. डूड व्हाट? यस, वो डॉगी अपने आप को खुद बांधता है और अपने आप को खुद निकालता है, क्या बात है भाई. ऐसे डॉगी होने लग जाए गली में फिर भाई हमारा जाना ही बंद हो जाएगा. ओके नेक्स्ट मीम. व्हेन योर फेवरेट सॉन्ग कम्स ऑन. ओ भाई मूव्स. अरे भाई, अरे बसु भाई. ओके शी इज अ ड्रेक फैन टोटली, बट इतना एक्साइटेड कौन होता है. बट ओके नाइस मूव्स. ओके नेक्स्ट मीम. डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स. लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़के. अभी मैं आपका मुंह धुलवाऊं ना, अभी मेरे की तरह आपका मुंह निकला है जब मैं मेकअप आपका उतरवाऊं. लुक एट हर रिएक्शन. बेचारी को रियलिटी चेक दे दिया. नहीं हुए सब ब्यूटीफुल होते हैं गाइस, लड़के थोड़े ज्यादा होते. अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ. ऑलराइट नेक्स्ट मीम. एक्साइज की और टैक्स की चोरी के लिए बात तो सही है. हमें आपका इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. रोए अंदर जाओ. इन्वेस्टिगेशन ऐसे कैसे और
सीबीआई की रेड हमारे होटल में कैसे पड़ सकती है जबकि हमारा अकाउंट तो एसबीआई में है। What? सीबीआई की रेड कैसे पड़ सकती है जबकि हमारा अकाउंट एसबीआई में है? मैडम को एक्सिस बैंक की रेड पढ़नी चाहिए। क्लियरली शी डजंट नो व्हाट सीबीआई मींस। कोई बात नहीं मैम, रेड तो फिर भी पड़ेगी। अगर तुम्हें भी नहीं पता सीबीआई तो भाई प्लीज पढ़ाई करो। ऑलराइट नेक्स्ट मीम। अरे बंदा ये देखो हमने किसको देखा, जल्दी देखो, मोदी जी मोदी। ओह डूड व्हाट, अबे ही इज लुकिंग टू सिमिलर, कुछ ज्यादा ही नहीं है। हेलो मोदी जी, अरे आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? लेकिन कितनी फैसिनेटिंग बात है ना, इस पूरी दुनिया में कोई ना कोई होगा तुम्हारे जैसे दिखने वाला, बस तुम्हें पता नहीं है या तुम्हें बाद में आके पता चलेगा। देयर इज अ फैक्ट लाइक एक इंसान जैसे दिखने वाले 7 इंसान होते हैं शायद, पता नहीं मैंने कहां पढ़ा है बट हाँ ठीक है फैक्ट है। क्या मतलब चुप हो जा। ओके नेक्स्ट मीम। आप उसे कोई भी सवाल कीजिए, डोंट बी ओवर, मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। उरे भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पिताजी का नाम? अरे अच्छा ओके मैं समझ, क्या कर सकता है वो 3 अलग अलग लोगों के नाम थोड़ी ना लेगा, वो अपने डैड का नाम 3 बार ले ले। बी स्मार्ट माय फ्रेंड, भिक्षु से सीखो कुछ। नेक्स्ट मीम। क्रेज ऑफ चाय इन इंडिया। ओके महाराज एक कटिंग। हां ले दो। अरे कटिंग चाय पिएंगे बाबा। कटिंग हां दो कटिंग चाय। दो कटिंग इधर इधर। हां हां भाई अब कोई बुर्ज खलीफा से भी बोलेगा क्या? बट आई डू बी लाइक दैट। जो चाय लवर्स होते हैं उनको तो अलग ही लेवल का क्रेज होता है चाय का। मैं नहीं हूँ चाय लवर। ये कोई क्राइम कर दिया क्या मैंने? ऐसा नहीं है कि मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि चाय के बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। ओके नेक्स्ट मीम। मम्मी मैं स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि, सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा ओ बेलन लेके। अच्छा तभी नाउ अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, मम्मा का बेलन या चप्पल कुछ भी आ जाए हाथ में मोड स्विच हो जाता है भाई। क्या मैंने क्या बोला? मैं बोला कल पढ़ूंगा। अरे ये देखो ना बुक सामने है, वो शायद टीवी चल रहा था उसमें नोबिता ने बोल दिया होगा कल पढ़ूंगा मैं। ओके नेक्स्ट मीम। आईक्यू टेस्ट गोइंग। क्या आईक्यू? आईक्यू जिस लिए आई उसी लिए आई हूं। अरे चैंपियन में आई। आई क्यू? वाह आई क्यू सर पूछना चाहते हैं आई क्यू, उनको लग गया आई क्यू। वाओ क्यों आई हो आप, चल सच्ची में चले जाओ, यू हैव नो आई क्यू तो आई क्यू आप। ओके व्हाट या पीठ पे गदर मचेगा खटेगा पिज्जा सब में बटेगा बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा आई स्वेयर चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।